नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेटा। सबसे बड़े चुनावी रण में 400 का शोर हम देख रहे हैं कि बड़े जोर शोर से उठ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ सबके सब ये कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार 400 पार कर रही है। दावा हमने हर रैली में देखा बीजेपी की, फिर चाहे वो कोई भी नेता हो, लेकिन सवाल यह है कि क्या 400 पार होगा जैसा कि दावा बीजेपी लगातार कर रही है। सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि नंबर के इस खेल में विपक्ष भी अपने नंबर लगातार गिना रहा है। राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी समेत पूरा विपक्ष, कई नेता ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की 200 सीट भी इस बार आने वाली नहीं है। जो 400 पार का दावा है वो तो बहुत दूर की बात है। हालांकि किसको कितनी सीटें मिलेंगी, कौन कितनी सीटों पर जीत हासिल करेगा, चुनावी रण में किसकी विजय पताका लहराएगी, ये पूरी तरीके से 4 जून को पता चल जाएगा। लेकिन इससे पहले 400 को लेकर जबरदस्त तरीके से जुबानी जंग चल रही है। लेकिन सवाल वही है कि 4 जून को एनडीए 400 पार या फिर इंडिया गठबंधन कोई करेगा चमत्कार। आज इसी सवाल को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। एक बड़ा पैनल पूरा मेरे साथ मौजूद रहेगा। हम सबसे चर्चा करेंगे, बीजेपी के गेस्ट मेरे साथ होंगे, समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, और चुनाव विश्लेषक भी हमारे साथ होंगे। सबसे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, लेकिन पहले रिपोर्ट आप देखिए। इस रिपोर्ट के बाद मेरे मेहमान, उनसे इंट्रोड्यूस कराता हूं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का उत्सव प्रारंभ हो चुका है। 4 जून और पूरा राजस्थान कह रहा है, मेरा एक बार। हर जनसभा, हर चुनावी रैली और हर इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने 400 पार की हुंकार भरी। लेकिन 400 पार का क्या है आधार? आखिर प्रधानमंत्री को इतना भरोसा क्यों है कि अब की बार एनडीए को सबसे बड़ा बहुमत मिलेगा, 370 से ज्यादा सीटों पर कमल खिलेगा? इसकी वजह है मोदी की गारंटी, 10 साल का काम, भीषण गर्मी में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार, चाणक्य वाली चुनावी रणनीति और धरातल पर कार्यकर्ताओं की फौज। लेकिन क्या सिर्फ इससे बीजेपी को अब तक का सबसे बड़ा बहुमत मिल जाएगा? आज प्रधानमंत्री मोदी ने इसका भी जवाब दिया। मोदी जी, अब लगभग आखिरी दौर आ गया है चुनाव का, क्या जो आपने लक्ष्य तय किया था 400 पार का, आपको लगता है कि वो पार हो रहा है? क्योंकि विपक्ष तो कन्विंस्ड है कि ऐसा नहीं हो रहा है, वो कह रहे हैं कि 220-240 होगा। आखिरी दौर शब्द प्रयोग किया आपने, मुझे उसमें बहुत सी चीजें नजर आ रही है। एक हमारा एक नया दौर शुरू होगा, उसका उसके अंदर संकेत है। दूसरा, जो लोग बड़े सपने देख करके बड़े वादे कर रहे थे, उनके लिए भी आखिरी दौर है। तो चुनाव का आखिरी दौर ऐसा इतना नहीं, उनकी स्थितियों का भी आखिरी दौर है। पीएम मोदी का दावा है कि आखिरी चरण का चुनाव विपक्ष के लिए आखिरी दौर साबित होगा, लेकिन नंबर के खेल में बाजी कौन मारेगा ये तो समय बताएगा। हालांकि इतना जरूर है कि नंबर पर रण जारी है। प्रधानमंत्री मोदी 400 पार की बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री के भरोसे को चुनावी फिक्सिंग से जोड़ रहे हैं। ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर खरीदकर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है सब मिलाकर। लेकिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री के भरोसे को चुनाव फिक्सिंग से जोड़ रहे हैं। नतीजे आने से पहले ही राहुल ईवीएम पर सवाल उठाने लगे, चुनाव को फिक्सिंग से जोड़ने लगे। तो क्या मान लिया जाए कि विपक्ष को अभी से हार का डर सताने लगा है? क्या वाकई बीजेपी का विजय रथ 400 के पार जाने वाला है? और सवाल ये भी है कि 4 जून को एनडीए गठबंधन 400 पार या इंडी गठबंधन करेगा चमत्कार? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
क्या होने वाला है, 4 जून को 400 पार या फिर 4 जून को विपक्ष का चमत्कार? जैसा कि विपक्ष के नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, वो सब अपने अपने दावे कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी इस बात का दावा कर रहे हैं कि इस बार बहुमत नहीं मिलने वाला है एनडीए को और विपक्ष सरकार बनाएगा। इस चर्चा की शुरुआत करते हैं, मेरे साथ पूरा पैनल है, मैं अपने पैनल से आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं, फिर हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान हैं, विजय शर्मा जी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथ में इस वक्त, निवान शर्मा जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता साथ में हैं, प्रोफेसर भुवन भास्कर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साथ में हैं, नीरज मिश्रा जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, कांग्रेस प्रवक्ता साथ में हैं, और मनोज सिंह जी मैट्रिक्स न्यूज कम्युनिकेशन के डायरेक्टर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। एक न्यूट्रल राय, क्योंकि इन्होंने ग्राउंड पर काम किया है, तो ग्राउंड पर क्या है, पब्लिक क्या सोच रही है, क्या दिमाग में इश्यूज रहे, क्या मुद्दे रहे इन 6 चरणों के चुनाव के दौरान, इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत, विजय जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, प्रधानमंत्री मोदी हों, अमित शाह हों, बीजेपी के बड़े नेता हों, हर एक अपनी रैली में 400 पार का दावा करते हैं, लेकिन विपक्ष कहता है कि 400 की बात तो दूर, आएंगी कहां से सीटें। सवाल यह है, राहुल गांधी को तो सुना आपने अभी, उन्होंने कहा फिक्सिंग कर लीजिए, ईवीएम से छेड़छाड़ कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए, फिर भी 180 को पार नहीं करने वाले हैं, 400 तो बहुत दूर की बात है, दिन में सपने मत देखिए। है कि वो जमीन पर काम नहीं करते, वो सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है। अभी आप देखेंगे इलेक्शन होने के बाद वो घूमने निकल जाएंगे। तो हम जमीन पे काम करते हैं, हम कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ता बेस पार्टी है, कार्यकर्ता हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, तो यहाँ हमारे जो है राजतंत्र नहीं है, यहाँ हमारे परिवारवाद की पार्टी नहीं है, हमारे यहाँ भ्रष्टाचार को छिपाने वाले कोई नहीं है। तो राहुल गांधी जी को मुझे लगता है कि सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश ने उनको नकार दिया, और एक बार नहीं कई बार नकार दिया। लेकिन सुनिए, पता है उनकी अगर बातों को सुना जाए तो लगता है कि उनकी बातों में लॉजिक है। वो ये एक सवाल उठाते हैं कि सीटें उठेंगी कहां से, गुजरात में आपके पास मैक्सिमम सीटें हैं, राजस्थान में मैक्सिमम सीटें हैं, मध्य प्रदेश में मैक्सिमम सीटें हैं, यूपी में आपने पिछली बार बड़ी सीटें जीत हासिल की थी, साउथ में बीजेपी का कुछ बहुत ज्यादा है नहीं, तो फिर सीटें बढ़ेंगी कहां से? ये तो लॉजिकल सवाल है ना, इसका लॉजिकल जवाब दीजिएगा मुझे। जी जी जी, देखिए यूपी में हमारी सहयोगी पार्टियों के साथ 64 सीट के आसपास थी, अब की बार हमारी वो बढ़ के मैक्सिमम सीटें हो जाएंगी, जो 2014 से भी ज्यादा हो जाएंगी। तो उड़ीसा में हम बहुत अच्छा करने जा रहे हैं, और राज्य सरकार हम बनाने जा रहे हैं। वेस्ट बंगाल के अंदर हम 30 सीट से ऊपर, हमारे माननीय गृहमंत्री जी बोल चुके हैं कि हम 34 सीट के आसपास ले जाएंगे वहां पे। उसके बाद में आप तेलंगाना में देखिए, आंध्र प्रदेश में हम टीडीपी और दूसरे अन्य दलों के साथ मिलके हम बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। साउथ में हम मीडिया कहती है कि हम मजबूत नहीं है, लेकिन साउथ में हम आज भी कांग्रेस से मजबूत है, एक हमारी जो सीट है वो साउथ में कांग्रेस से आज भी ज्यादा है। तो हम साउथ में जिस तरह से केरल है, तमिलनाडु है, वहाँ चमत्कारिक रूप से हम देखना आंकड़े हमारे पक्ष में आने वाले हैं। तो हम, मैंने गिना दी आपको किस तरह से देश में एक आंधी चली हुई है, नरेंद्र मोदी जी जो है वो देश के सबसे, तो 10 साल से आंधी चल रही है, नहीं लगता कि इस बार फ्लो थोड़ा धीमा पड़ जाएगा जब 10 साल से चलती है? खैर मैं आपके पास आऊंगा जी, इसमें एक छोटा सा मैं कहना चाहता हूँ, छोटा सा देखिए, 2014 का इलेक्शन था वो उम्मीद पर लोगों ने वोट दिया था, 2019 का इलेक्शन था उस पर लोगों ने काम पर वोट दिया, और ये 2024 का इलेक्शन है, ये मोदी जी की गारंटी पे इलेक्शन चल रहा है। तो इसमें सीटें जो है 400 पार एनडीए की आने जा रही है, लिख लीजिए आप। ठीक है, मैं निवान जी के पास आ रहा हूँ, निवान जी आम आदमी पार्टी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कहते हैं कि मोदी की गारंटी है, और मोदी की गारंटी के आगे पूरा विपक्ष कुछ नहीं है। लेकिन एक चीज, अब मैं आपसे भी लॉजिकल जवाब इस पर चाहूंगा, लड़ाइयां दिखती हैं मुझे विपक्ष में, आम आदमी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस से मिलकर लड़ती है, पंजाब में अलग होकर लड़ रहे हैं, बीच बीच में इस तरह के इंसिडेंट्स, इस तरह की चीजें सामने आती, ममता बनर्जी आपके मंच पे आती नहीं है, फिर एकजुटता कैसे? एकजुटता का जब मैसेज पब्लिक के बीच में नहीं होगा, तो फिर कंसोलिडेट होकर वोट कैसे आपके फेवर में पड़ेगा? देखिए, बहुत बहुत नमस्कार, और अभी आप गारंटीज की बात कर रहे थे, हमारा मानना यह है कि अगर 10 साल काम किया होता तो गारंटी देने की जरूरत ही ना पड़ती। गारंटी माननीय प्रधानमंत्री जी को तब देनी पड़ी जब उनको लगा कि लोगों को मेरी नॉर्मल बातों पर विश्वास अब नहीं हो रहा है। पूरी तरह से विपक्ष जो है, इंडिया अलायंस जो है, वो उसने पूरा चुनाव, इन्होंने जितनी कोशिश कर ली, लेकिन हमने मुद्दों पर चुनाव लड़ा, हम मुद्दों से नहीं हटे, ये चाहे जितनी अनर्गल बातें करते रहे, लेकिन हम मुद्दों पर स्टिक रहे। इंडिया अलायंस पूरा एक साथ एकजुट होकर
पूरा चुनाव मुद्दों पे लड़ा है। आप देखिए, इन्होंने मंगलसूत्र बोला, इन्होंने मुजरा शब्द का प्रयोग किया, इन्होंने हिंदू मुस्लिम किया, हिंदुस्तान पाकिस्तान किया, गाय भैंस बकरी किया, लेकिन हम केवल और केवल काम पर स्टिक रहे। हमने प्रधानमंत्री जी से सवाल किया कि आप 10 साल से सत्ता में थे, आप 2014 में एक विजन लेके आए थे। अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने बताया कि 10 साल पहले उम्मीद के साथ आए थे, लोगों को उम्मीद दिखी, लोगों ने इनको वोट किया। 2019 में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि 70 साल के गड्ढे हैं, हमें थोड़ा और वक्त चाहिए, आप चिंता मत करिए, 2022 में जो है मैं 2 करोड़ रोजगार दे दूंगा, 2022 में आय दुगना कर दूंगा, हर सर पे छत दे दूंगा और दुनिया का विश्व गुरु बना दूंगा देश को। लेकिन 2022 निकल गया, बात ही नहीं करते 2022 की। 2023 निकल गया, इन्होंने कोई बात नहीं करी अपने विजन की। 2024 में अभी कह रहे हैं कि हम 2047 का विजन देंगे, जब कोई युवा ही नहीं रहेगा देखने के लिए। तो लोगों के सामने जो बीजेपी का नकाब था वो पूरी तरह से उतर गया और लोगों को यह समझ आ गया कि जो भी हमसे वादे किए थे वो बिल्कुल वादा खिलाफी थी, वो झूठ थे। जो सबसे बड़ा पॉइंट इनकी हार का, जो सबसे बड़ा पॉइंट वो ये है कि इन्होंने ये वादा किया था कि मैं काला धन लाऊंगा और मैं भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा, लेकिन जब इलेक्टोरल बॉन्ड से ये साबित हो गया कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार जो है वो बीजेपी ने किया, जनता का इनसे मोह खत्म हो गया, एक के बाद एक इनके सारे मुद्दे उल्टे पड़ते गए, विपक्षियों को जेल में डाला, लोगों को समझ आ गया कि ये तानाशाही की तरफ देश को आगे ले जा रहे हैं। लोगों ने देखा कि कैसे उनके बड़े बड़े नेताओं को 2-2 साल से जेल में रखा हुआ है, लेकिन प्रूव नहीं कर पाए कि क्या उन्होंने किया है, एक सबूत नहीं ढूंढ पाए, लेकिन फिर भी जेल में रखना चाहते हैं, केवल और केवल जेल के अंदर डालना चाहते हैं ताकि चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड को खत्म कर दिया जाए। लोगों ने यह सब देखा, लोगों ने देखकर यह निश्चित किया कि अब बीजेपी की जरूरत नहीं है, हमें एक ऐसी प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट चाहिए जो डेवलपमेंट की बात करे, विजन दे, अब विपक्षियों पे कार्रवाई करना खत्म करे और सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लेना बंद करे। ठीक है नीरज जी, अभी नुवान जी कह रहे थे कि लोगों ने देखा, लोगों ने बहुत कुछ देखा जो बातें इन्होंने कही वो, क्या लोगों ने ये नहीं देखा कि अब इंडिया गठबंधन जो बन रहा है वो ऐसे दलों का गठबंधन है जिनकी विचारधारा बिल्कुल अलग है। आम आदमी पार्टी की राजनीति की शुरुआत हुई थी, हम भी रामलीला मैदान गए थे, हमने भी देखा था वहां पे, कांग्रेस के अगेंस्ट शुरू हुई थी, 1,76,000 के नोट हाथ में पकड़कर लोग वहां पहुंच रहे थे कांग्रेस के अगेंस्ट, आज वही दो दल एक साथ हो गए, तो क्या ये नहीं देख रही होगी पब्लिक? रोहित जी, सबसे पहले तो ये बात स्टैब्लिश कर देते हैं कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने इस चुनाव में भाषा का स्तर गिराया है तो जनता ने उनको सीरियस लेना छोड़ दिया है। तो भाजपा के प्रवक्ता मेरे नेता के बारे में अगर कुछ कह रहे हैं तो ये उसी अपने नरेंद्र मोदी की जो भाषा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। आपने मुझसे आम आदमी पार्टी पर सवाल तो पूछ लिया, पर आपने ये नहीं समझा कि इस देश के अंदर वो 25 दल जो साथ आकर आज इंडिया गठबंधन बनाए हैं उन लोगों के मुद्दे क्या थे? वो थे वो 5 न्याय और 25 गारंटी, जिसमें हमने कहा कि इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी के 10 साल के अन्याय काल में जो बेरोजगारी का स्तर बढ़ा तो हम पहली नौकरी पक्की के माध्यम से देश के बेरोजगार। मैं आपको एक चीज, क्योंकि आपने बताया ना इतने सारे, मैं आपको एक पॉइंट इसमें ऐड करता हूं। एक बेसिक डिफरेंस जो आता है ना, वो बेसिक डिफरेंस मैं इस पर मनोज जी से भी बात करूंगा। एक बेसिक डिफरेंस जो आता है, ठीक है आपके इश्यूज बहुत सारे हैं, आपने बहुत सारी चीजें गिनाई भी बीजेपी के अगेंस्ट, लेकिन एक बेसिक इशू ये आता है कि स्थायित्व का इशू। मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत की, वो कहते हैं कि एक बेसिक डिफरेंस स्थायित्व का है। आप लोग इतने सारे दल मिलकर गठबंधन बनाते हैं तो एक माइंडसेट लोगों का नहीं सेट हो पा रहा है कि यार इतने सारे दल मिलकर क्या आगे 5 साल एक स्थायी सरकार हमको दे पाएंगे, एक ये बहुत मेजर डिफरेंस आ जाता है। ये नहीं लगता आपको कि ऐसा है? देखिए रोहित जी, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी तो आप पर नहीं करूंगा, पर इस देश की जनता को सेलेक्टिव एमनीजिया नहीं है। इस देश के अंदर गठबंधन की सरकारें चली हैं और वो सरकारें जो 2004 से 14 में चली, तो हम इन्हीं के पैमाने पे बात कर लेते हैं। आज मोदी जी बाहर निकलकर सेंसेक्स की बात करते हैं ना, 2004 से 14 तक 400 गुना सेंसेक्स बढ़ा, 5000 से 25000 के आंकड़े पे आज हफ्ते हफ्ते 100 गुना बढ़ा है। तो आप समझिए इस देश के अंदर डेवलपमेंट, सोशल सिक्योरिटी और साथ उसके सोशल जस्टिस, ये देने के लिए आज इस दौर में इंडिया गठबंधन की सरकार चाहिए। इस देश के पास ट्रैक रिकॉर्ड है कि 2004 से 14 के अंदर हर आदमी की जेब में पैसा था, वो उसे खर्च करता था, नौकरी के लिए जब जाता था नौकरी मिलती थी, वो जब मंडी के अंदर जाता था अपना सामान बेचते तो उसको वाजिब दाम मिलता था। तो इस तरीके की न्याय की सरकार जो 4 जून को दोबारा बनने जा रही है, देश की जनता बहुत खुश है और बहुत उत्सुकता से देखने जा रही है। मैं अपने अगले गेस्ट पे चलूं, एक बहुत छोटा सा सवाल है, छोटा सा जवाब मुझे दीजिएगा, क्योंकि मैंने राहुल गांधी का रिएक्शन अभी यहाँ पर दिखाया था, तो उन्होंने कहा था कि 180 से पार नहीं जाएंगे, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना लें। ठीक है, आप कितना जा रहे हैं, आपका अलायंस कितना जा रहा है?
देखिए, हमने तो आपको पांचवें फेज के बाद कहा कि जो मैजिक नंबर है 272, क्योंकि 400 का नंबर तो बेईमानी है। इस 400 की पीछे की जो थ्योरी है वो पिछले 6 चरण में दिख गई, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी के 80% भाषणों में से ये 400 पार का नारा जो था वो गायब था। आज 272 का आंकड़ा हम पांचवें फेज में पार कर गए, अगले फेज को मिला लें, सातवां फेज जो आ रहा है, हम लोग 300 पार रहेंगे, 325 पार रहेंगे। मनोज जी, ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है? आप तो ग्राउंड पर हैं और सिफोलॉजिस्ट हैं, एजेंसी है, आप सर्वे भी करते हैं। सबसे ज़्यादा जो चीज़ है बहुत क्लोजली मॉनिटर मुझे लगता है आपने, आपके लोगों ने किया होगा जो लोग ग्राउंड पर रहते हैं, आप मुझे बताइए 400 पार के दावे में कितना दम है, विपक्ष के दावे में कितना दम है, और मेजर डिफरेंस क्या है जो लोग सोचते हैं इंडिया गठबंधन और एनडीए को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैं राजनीतिक बातें होती हैं और मुद्दों पे बात होती है कि भाई हमारे जो मैनिफेस्टो है, हमारे जो संकल्प है, हमारे जो प्रण है, वो हम पूरा करेंगे, और राजनीति में होना भी चाहिए, हर राजनीति पार्टी का अपना वो एजेंडा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि इस बार 400 पार का, मेरा मानना है कि 2014 को 2019 ने रिकॉर्ड तोड़ा था और 2019 को 2024 रिकॉर्ड तोड़ेगा, ये तो कन्फर्म है। रही बात कि सीटें कहाँ से आएंगी, आपने क्वेश्चन किया राजनीतिक पार्टियों से, शायद बीजेपी के प्रवक्ता नहीं दे पाए जवाब, मैं जवाब दूंगा तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोगों का कहना होगा कि भाई उनको तो समझ भी नहीं आ रहा, आपको कैसे समझ में आया। लेकिन आपने एक अच्छा क्वेश्चन किया कि भाई जमीन पे जो काम करता उसको पता होता है कि कहां से सीटें आएंगी। यदि मुझे बिहार से घटते हुए सीटें दिख रही है तो मुझे बंगाल से बढ़ते हुए सीटें दिख रही हैं, मुझे उड़ीसा में बढ़ती हुई सीटें दिखेंगी, मुझे साउथ से बढ़ती हुई सीटें दिखेंगी। तो जहां पे मैं कर रहा हूं कि 2019 को 2024 तोड़ेगा रिकॉर्ड, तो मैं वहीं आना चाहता हूं कि जहां पे बीजेपी ने अपना पिछला संख्या ले गया था उसमें कितना इजाफा हो पाएगा, वो तो बाद की बात है, 4 तारीख को हम लोग को नतीजों में पता चलेगा कि क्या है। रही बात की लोग मुद्दे तलाश रहे हैं कि क्या है, देखिए राजनीति में कभी भी पार्लियामेंट का इलेक्शन कोई भी रीजनल पार्टी के थ्रू नहीं लड़ा जाता, और यहाँ पे चुनाव जो हो रहा है रीजनल टू बीजेपी के साथ हो रहा, न कि कांग्रेस के साथ कहीं भी चुनाव लड़ रहा। कांग्रेस ने अपने आप को बचाने के लिए जिस तरीके से रीजनल पार्टियों के साथ जुड़कर अपने चीज़ों को बचाने की कोशिश करी है, उसी तरह से आम आदमी पार्टी इस पार्लियामेंट इलेक्शन में, मेरा मानना है जो मैं देख रहा हूँ और राजनीति में देख रहा हूँ, कि वो चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि कहीं न कहीं अपने नेता को बचाव के लिए सारी पार्टियों के साथ आ गया। इसलिए ये कहना पड़ रहा मुझे कि इतने आलोचना के बाद जिस पार्टी को इन्होंने जिस समय और जिस लगातार 10 सालों तक कोसते आए और भ्रष्टाचार को लेकर कोसते आए हैं, उसके साथ समझौता करने का, तो ये साफ जाहिर हो रहा है और पब्लिक में इस चीज़ों की चर्चाएँ होती हैं। बिहार की जब मैं बात करता हूँ, आप जाएंगे सीट टू टू, बीजेपी ने एक गलती जरूर बड़ी की थी जहां पे इनको उम्मीद दिखी, बीजेपी ने करीब करीब 50 और 60 के बीच में ऐसी सीटों का चयन किया, उम्मीदवारों का चयन किया जहां पे उनके विरुद्ध लोगों का गुस्सा था, वो कहिए कि कैंडिडेट सिलेक्शन जो था, उस 50 सीटों पे जब लड़ाई हो गई आपस में बीजेपी वर्सेस ऑपोजिशन का, तो ऐसा दिखने लगा कि अरे यार बीजेपी तो काफी बैकफुट पे है और ये सीटें घट रही है। मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का ही एक वर्णन ले रहा हूं, क्या समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ होकर चुनाव नहीं लड़ते? क्या कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं लड़ते? क्या वोट परसेंटेज थे? और एक चीज बता देता रहा हूं, ओबीसी के साथ जब तक, मैं एकदम खुलकर बोलना चाहता हूं, यादव जहां रहेंगे वहां एसी का शेड्यूल कास्ट कभी वोट नहीं करेगा, और आप देखे होंगे कि पिछले चुनाव में यही हुआ था कि यादव ने मायावती को बेनिफिट पहुंचा दिया, लेकिन मायावती ने कहीं से अखिलेश को नहीं बेनिफिट पहुंचा रहा। तो यहां जब तक मुलायम सिंह यादव के समय हुआ क्या था कि एक समीकरण बना था, यादव मुस्लिम और राजपूत को उन्होंने जोड़ा था और वहां पे चुनाव इन्होंने जीता था। अखिलेश यादव जी ने यही कोशिश उन्होंने अपना छोड़ा कि आज कारण यह है कि वो सारे समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन चुनाव में कहीं से ये नहीं हो रहे। अब रही बात की 2071 सीटें जीत कर आए थे ये लोग 2014 में, 2019 में 63 आ गए। अब ये उत्तर प्रदेश के लिए भी एक चैलेंज होगा कि 71 सीट पार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चूंकि जिन जिन सीटों पे लड़ाई हुई है, क्योंकि बहुत, देखिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मतलब आपको मालूम होगा, अभी हमने देखा भी कि राजा भैया को लेकर भी पहले था कि बीजेपी के साथ जाएंगे, फिर उन्होंने समाजवादी पार्टी को अपना जो समर्थन है समाजवादी पार्टी को दे दिया, तो और ये भी कुछ दावा कर रहे हैं विपक्ष का ही नेता, मैंने सुना है, मतलब जो पर्सनल मेरी बातचीत होती है, जो हम सुनते हैं ऑब्वियसली बात है उसको मैं ही डिस्कस करूंगा, तो वो भी इस चीज़ को ये कहते हैं कि भाई
क्या नाम है, यूपी में इस बार लग रहा है कि जाति के आधार पर वोट पड़ रहा है, और ऐसा हो गया तो फिर बीजेपी पिछड़ जाएगी। मैं इस पे क्लियर कर देता हूँ, मैं एक मिनट आपके पास आऊंगा, मैं जरा एक रिएक्शन मैं जरा दिखा देता हूँ। 400 पार के दावे हो रहे हैं, बहुत सारे दावे हो रहे हैं, 400 पार का दावा बीजेपी भी कर रही है, 400 पार का, और जो अखिलेश यादव हैं वो किस तरीके से इस बात को काट रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, अखिलेश यादव ने उस पर क्या जवाब दिया, वो दो बात देखिए। मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो लहर है अब वो सुनामी बन चुकी है, और आप देखना 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो 4 जून के परिणाम में अब की बार 400 पार का लक्ष्य पूरा होगा। जो लोग ऊपर चढ़ रहे थे, सबसे ऊंचाई पे पहुंच गए थे, अब बताओ लुढ़क गए कि नहीं लुढ़क गए नीचे। जो कहते थे 400 पार, बताओ हार गए कि नहीं हार गए। और मैं जो माहौल देख रहा हूं, इस बार 140 करोड़ जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। प्रोफेसर भुवन भास्कर मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी हमने सुना योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब की बार 400 पार। इस चीज से मैं भी इत्तेफाक रखता हूं कि खाली कह देने से 400 पार नहीं हो जाता है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 140 सीटों के लिए तरसेगी बीजेपी, लेकिन जब मैं इसी पर आता हूं तो फिर 140 अखिलेश यादव कहते हैं, 180 राहुल गांधी कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कहते हैं 225। सच किसको मानूं मैं, विपक्ष किस बात को सच मानूं? देखिए, लंबे समय से 3 दशक से मैं सामाजिक और राजनीतिक जीवन में काम कर रहा हूं जी, और मैं देख पाता हूं, जब अन्य चुनावों को देखा 2014 का 2019 का मैंने देखा तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि योगी जी के प्रति, मोदी जी के प्रति यहाँ के युवाओं में, यहाँ के किसानों में और यहाँ की मातृशक्ति में बहुत सारी उम्मीदें थी जो उनके वादे थे, और वादे थे 2 करोड़ नौकरी की, किसानों की आय दुगनी की, काले धन की, 15 लाख अकाउंट में आने की, बहुत हुई महंगाई की मार, बेटी बचाओ बेटी बचाओ। इन वादों के साथ युवाओं का, किसानों का और मातृशक्तियों का भरोसा उन्होंने जीतने का काम करा, और उनको इस देश ने बहुत बड़ा सम्मान दिया। लेकिन यथार्थ में क्या निकला, जब 2 करोड़ नौकरी की बात आई, 20 करोड़ नौकरी का हिसाब मांगा मोदी जी से, तो उनके हाथ खाली थे, और साथ में क्या गिफ्ट मिला, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ तो वहाँ पर गिफ्ट मिलता है युवाओं को कि परीक्षा लीक होती है, उसका रिकॉर्ड योगी सरकार में बनता है, और उनकी पिटाई होती है जब वो कहते हैं कि इसके लिए धरना करते हैं, तो उनकी पिटाई होते हुए हम लोग देखते हैं जी। और एक ब्रजेश पाल लड़का है कन्नौज में, आपको पता होगा, उसने नौकरी न मिलने से आत्महत्या कर ली कि ये सरकार मुझे नौकरी नहीं दे पाई। परीक्षा लीक होती है पुलिस की, और एक हमारी बेटी, आपकी हमारी बेटी ने आत्महत्या कर ली, उसने कहा जो सरकार मुझे, निकम्मी सरकार मुझे नौकरी नहीं दे सकती, परीक्षा लीक होती है, उसने सुसाइड करने का काम करा। ये गिफ्ट तो मात्र युवाओं को मिला, वो जवाब दे रहे हैं। मातृशक्ति को बात हुई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को, हमने देखने का काम करा मणिपुर में क्या हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी इतने भाव वाले व्यक्ति हैं कि वहाँ उन्हें दर्शन करने तक नहीं जा पाए मणिपुर में, ये देश ने देखा। माननीय प्रधानमंत्री जी जहाँ पर रहते हैं 5 किलोमीटर में पहलवान बेटी घसीटी गई, माननीय प्रधानमंत्री के मुंह से उफ नहीं निकलता है। कानपुर में क्या हुआ, अभी BHU जो माननीय प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टेंसी है। लेकिन एक चीज है ना सर, ठीक है मैं आपकी बात से इत्तेफाक रख रहा हूं, सबको तो आपने इंटरप्ट नहीं करा मुझे, मेरे में ऐसा नहीं, मैंने सबको, जहां मुझे कुछ पॉइंट ऐड करना है मैंने रोका है, मैं आपको आप उसका भी जवाब दीजिए, मौका पूरा आपको दे रहा हूँ। आप ये बात कह रहे हैं कि ठीक है पब्लिक के बीच ये चीजें हैं, कब पब्लिक के बीच ये चीजें हैं, लेकिन बीच बीच में जो चुनाव होते रहते हैं वो दिखता क्यों नहीं? अभी हाल फिलहाल में हमने देखा छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए, वहां नतीजे फेवर में रहे। मध्य प्रदेश में अगर वहां हो रहा है, बीजेपी जीत रही है वहां, तो या तो दो बात है कि पब्लिक के बीच एक्सेप्टेबिलिटी है, या फिर दूसरी बात यह है कि जो आप गिना रहे हैं लेकिन वो पब्लिक को नहीं समझा पा रहे हैं। अब विषय पे आ जाता हूं, मैं थोड़ा सा मुझे कंप्लीट कर लीजिएगा। मातृशक्ति की बात बता रहे, BHU जो माननीय जो हमारे योगी जी हैं उनका बुलडोजर हर समय तैयार रहता है, बिल्कुल तैयार रहता है, लेकिन वो बनारस में खामोश हो जाता है, तेल खत्म हो जाता है, इंजन की सर्विस नहीं हो पाती। क्या होता है, 3 लड़के BHU के लड़की का रेप करते हैं और 2 महीने प्रचार में चले जाते हैं मध्य प्रदेश, और उनके घर में अब तक बुलडोजर नहीं चल पाया, हालांकि वो जेल में। ये भी देखा माननीय प्रधानमंत्री की कॉन्स्टेंसी का बात, ये बेटी बचाओ पड़ा। अब किसानों की बात पे आते हैं, जिसपे इस देश के किसानों ने माननीय प्रधानमंत्री पे विश्वास करा। 750 किसान मारे जाते हैं, थार लेके कौन निकल जाता है, गृह राज्य मंत्री का बेटा निकल जाता है, थार से हत्या करने का काम करता है।
अब उसके ये सब किसानों के साथ जुल्म जो हुए, आतंकवादी खालिस्तानी क्या क्या उनको कहने का काम करा आप, ये सारी फेरियस्त है। अब क्या हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी तो वादा कर गए, अमित शाह जी ने कहा नहीं नहीं ये सब जुमले हैं, और जुमले अब फिर नई गारंटी बन पे आ रहे हैं। अब कौन विश्वास करेगा, ये मैं अपने अनुभव के आधार पर बताऊँ, 5 कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं खुद होके आया हूँ, गाजियाबाद, बागपत, कन्नौज, मैनपुरी और 5वीं आजमगढ़ में। मैं अपने राजनीतिक जीवन के आधार पर कह सकता हूँ, वरिष्ठ पत्रकार इस देश के, ये चुनाव कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ केवल समझ रही है, ये बात पब्लिक समझ रही है, क्योंकि मेरे समझने से ज्यादा पब्लिक का समझना जरूरी है, वो बोलेंगे। सर ये बता रहा हूँ, जब चुनाव खड़ा हुआ जो पॉलिटिकल लोग भी आशा नहीं कर पा रहे थे, और माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट तौर पे कह दिया ये जो चुनाव है, चुनाव भारत की जनता लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी से, जिनसे जिन्हें वादे करे गए, वादे बाद में जुमले हो गए, अब ये नई गारंटी है। 4 तारीख को मैं तो आपके चैनल से लगातार जुड़ा रहता हूँ, और आप मुझे बुलाएंगे तो निश्चित तौर पे, और जो हमारे नेता ने जो नारा दिया उत्तर प्रदेश के की बात भी होनी चाहिए, सबसे बड़ा प्रदेश है, और मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश से ही रास्ता जाता है माननीय प्रधानमंत्री का। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, जो स्लोगन हमारे नेता ने दिया वो अब पूरे देश का स्लोगन बन गया, PDA प्लस इंडिया, ये नारा नहीं अब ये आंदोलन है पूरे देश का। जब परिणाम आएंगे तो आपको इसकी रूपरेखा उसमें दिखाई देगी। ठीक है विजय जी। जी जी देखिए आरोप ये है कि जुमले का आरोप लगा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि अब फिर हम कैसे माने कि जो गारंटी दी जा रही है वो सही है। चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान हमने बहुत सारी बातें देखी, हमने देखा कि UCC का वादा आप कर रहे हैं, UCC की बात आपने लगातार की, POK का भी जिक्र हमने देखा लगातार, भ्रष्टाचार की बात लगातार की, अभी CAA लागू हुआ उसकी भी बात आपने की, लेकिन फिर वही जो भुवन जी ने पॉइंट उठाया उस पॉइंट को लेकर मैं आपके पास आ रहा हूँ कि भरोसा कैसे करें फिर। देखिए UCC का मामला हो, आपने देखा होगा किस तरह से हमारी सरकार है उत्तराखंड में, हमने लागू करके दिखा दिया। CAA पूरे देश में लागू हो चुका है, उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया। POK के बारे में हमारे गृहमंत्री कितनी बार कह चुके हैं, और किस तरह के वहाँ हालात है, वहाँ की जनता स्वयं निर्णय ले रही है, वो खुद कह रही है कि हम इंडिया के साथ जाएंगे। दूसरी बात, मैं अपना ये त्रिभुवन जी जो है, भास्कर जी बड़े समझदार आदमी हैं, सुलझोए हैं, इनकी 2-3 बातों का जवाब देना चाहता हूँ। ये उस पार्टी को बिलोंग करते हैं जिसमें इनके नेताजी कहते थे कि लौंडों से गलती हो जाती है, रेपिस्ट को बोलते थे, ये किस मुँह से इस तरह की बातें करते हैं। दूसरी, आतंकवादियों से केस वापस लेते हैं, ये देश के बारे में बातें करेंगे। उसके बाद में ये इन्होंने लगाया कि पहलवानों का, टैनी के बेटे का, आप मुझे बताइए एक भी टैनी के बेटे कितने दिन जेल में रहे, आज भी मामला सब जुडिशिया कोर्ट के अंदर। ब्रजभूषण सिंह का देख लीजिए, राउंड एवेन्यू कोर्ट में किस तरह से मामला सब जुडिशिया है, चार्जशीट फाइल हो चुकी है। इनके यहाँ क्या है, बेटे को टिकट तो दे दिया आपने? नहीं नहीं, किसके बेटे को दे दिया? ब्रजभूषण नहीं, ब्रिज आप मुझे बताइए, अगर मैं कोई कुक्रम करता हूँ, किसी तरह का गलत काम करता हूँ, तो मेरा बेटा सजा भुगता गया क्या? ये तो आपने कानून में देखा होगा, जो करेगा वो भरेगा, तो उस किसी का कर्म किसी के साथ थोड़ी हो सकता है। अगर उसका फादर का, बेटे का, किसी का किसी के साथ नाता है, तो उससे क्या लेना देना है, आप मुझे बताइए। अगर उससे जिसको हमने वोट दिया उसके खिलाफ कोई आरोप हो तो बताइए आप मुझे। तो इस तरह से तो फिर कोई किसी का जीजा होगा, साला होगा, नाती होंगे, तो कोई किसी को पार्टी का टिकट ही नहीं मिलेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति के खिलाफ आरोप थे वो आदमी जेल में गया, आज मुकदमा उसके ट्रायल उसके खिलाफ चल रहा है, जिसके खिलाफ आरोप थे उसके खिलाफ कोई मेडिकल भी नहीं था, फिर भी उसके खिलाफ राउंड एवेन्यू कोर्ट में केस चल रहा है। बहुत होती है, तो ये परिवारवाद की श्रेणी में नहीं रखेंगे कैसे? जी जी, आम आदमी पार्टी का देखिए, वो महिला इनकी राज्यसभा की मेंबर के आरोपों का उनके बेटे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको हम क्या परिवारवाद की श्रेणी में रख सकते हैं? नहीं, क्योंकि परिवारवाद की बात भी बहुत होती है और बहुत हुई है चुनाव। जी जी, मैं आपकी बात सुन नहीं पाया, दोबारा बताएंगे। मैं कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि किसी के किए की सजा किसी के बेटे रिश्तेदार को हम नहीं दे सकते। जी मान गया मैं, लेकिन ब्रजभूषण जी का टिकट काट के उनके बेटे को टिकट देना, क्या ये परिवारवाद की श्रेणी में नहीं आएगा? जी बिल्कुल, कई बार होता है चुनाव में। जी जी, आपकी पार्टी की तरफ से बहुत हुआ है। जी बिल्कुल नहीं, देखिए आपने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना होगा, और उन्होंने संसद के अंदर बताया था किस तरह से परिवारवाद की डेफिनेशन क्या है। डॉक्टर का बेटा अगर डॉक्टर बनता है, वकील का बेटा वकील बनता है, तो ये परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद वहां है जहां आप देखेंगे फारूक अब्दुल्ला, उनके फादर शेख अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, वही चीफ मिनिस्टर बनते हैं, वही पार्टी के सर्वेसर्वा बनते हैं। आप देखेंगे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, अब राजीव गांधी जी,
वो सर्वे सर्वा आप देखेंगे माननीय मुलायम सिंह जी उनके बेटे अगले बात करेंगे, फिर ऑफिशियल बात कीजिए ना, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं कैसे राहुल गांधी? नहीं 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 देखिए आप मुझे बताइए, वो पार्टी के नहीं रहे थे क्या अध्यक्ष? नहीं रहे थे क्या आज? है या नहीं? जो नहीं, जो करंट सिनेरियो उस पर बात कर रहा हूं ना मैं हाइपोथेटिकल बात थोड़ी ना करूंगा। नहीं नहीं जो जो रहे मैं तो उनकी बात बता रहा हूं ना, पार्टी आज सारी मतलब जब रहे तो परिवारवाद, अब नहीं रहे तो अब मुक्त कर दीजिए परिवारवाद के आरोप से। फिर कैसे मुक्त कर सकते हैं? टिकट कौन बांट रहा है? कौन भाषण आज भी आप जो डिबेट कर रहे हो राहुल गांधी जी के ऊपर कर रहे हो, आप मुझे बताइए राहुल गांधी जी क्या है? अभी आपने देखा होगा उनको सजा हुई, उनकी सदस्यता गई, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सदस्यता बहाल की, उसके बाद में वो वायनाड में भक्के गए, वहां से भी हारने जा रहे हैं, अब रायबरेली आए। तो आप देखिए, देखो देश सब जानता है, देश की करोड़ों आंखें करोड़ों कान हैं, बड़े बारीकी से देखते हैं वो उनके क्या है, वो उनके सिर्फ 100 पीस है। ठीक है, एक्चुअल में पीछे से कौन निर्देश देता है, किसके लिए लोग खड़े होते हैं वो आपने देखा होगा, सारा देश देख रहा है जी। ठीक है, आपको काउंटर करना चाह रहे हैं शायद नीरज जी, मैं सबके पास बारी बारी से आऊंगा, सर्कल के हिसाब से चलेंगे। नीरज जी, वैसे तो उन्होंने जितनी बातें बोली वो जुमलों की श्रेणी में ही है, लेकिन उन्होंने सवाल ये पूछ लिया कि कौन है राहुल गांधी। तो 4000 किलोमीटर चल के इस देश के अंदर उस आदमी ने ये हिम्मत की कि जब किसानों पर आपकी सरकार गोलियां चला रही थी तो उन किसानों के सामने ढाल बनकर खड़ा रहा, जब उन्नाव की बेटी के साथ जो हो रहा था और हाथरस में एक बेटी को जलाया जा रहा था तो वो राहुल गांधी सड़कों पर था और उस बेटी के लिए न्याय मांग रहा था, जब ये नकली कोरोना की वैक्सीन लगा रहे थे और रामदेव जैसे फर्जियों को ये प्रचार कर रहे थे उनका, तब राहुल गांधी खड़े होकर कह रहा था कि इस देश के अंदर इतनी बड़ी आपदा आने वाली है, आज देश की केंद्र सरकार संभल जाए, वो राहुल गांधी है। और ये वो राहुल गांधी है जिसने तो हिम्मत की कि वो मणिपुर में कारगिल के योद्धा की बीवी के साथ जिस तरीके की हरकत हुई वो जाकर खड़ा हुआ, और देश का प्रधानमंत्री जो रोज जहाज में कहीं निकल जाता है उसको मणिपुर का रास्ता नहीं मिला, वो राहुल गांधी है। और इस देश के लिए अपने पिता का और अपनी दादी का बलिदान देने वाला नेता, वो राहुल गांधी है। तो विजय जी, बोलने से पहले समझ लीजिएगा कि किस राहुल गांधी के बारे में बात कर रहे हैं। इस देश के रग में, इस देश के मिट्टी के अंदर और इस देश के खून के अंदर उस गांधी परिवार का, उस राहुल गांधी का खून है। तो ये बोलने से पहले सोच लीजिएगा। और रोहित जी, अब सारी बातों का जवाब मैं दे देता हूं। इस देश की जनता ने इस बात को मान लिया है कि 4 जून को अन्याय काल खत्म हो रहा है, और अब जब नया काल आएगा तो उसके अंदर आप ये मान के चलिए कि इस देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा, किसानों को लीगल MSP मिलेगी, महिलाओं को उनके खाते में 1,00,000 रुपए मिलेगा, और पहली नौकरी पक्की, जो सबसे बड़ा वादा है इस सरकार का, वो दिया जाएगा। ठीक है, मैं जरा 2 रिएक्शंस आपको दिखा देता हूं। इस 400 पार को लेकर अमित शाह का क्या दावा है और इस 400 पार को लेकर राहुल गांधी किस तरीके से उनको काउंटर कर रहे हैं, ये रिएक्शन देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि 400 पार हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा रैलियों में देखने को मिल रहा है, और सर कांग्रेस का काउंटर क्या है, राहुल गांधी का काउंटर क्या है, वो देखते हैं, फिर आगे चर्चा। इंडिया अलायंस के जितने भी चट्टे बट्टे हैं वो सभी को मालूम है कि हम 400 पार करने जा रहे हैं, मोदी जी तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनेंगे, इसलिए इस प्रकार की भ्रांति फैला रहे हैं। मैं देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि भाजपा के संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, मोदी जी ही 29 तक नेतृत्व करेंगे। पहले मोदी जी 400 सीट की बात करते थे, 400 पार, अब 150 भी नहीं बोल रहे। मैं आपको एक बात की गारंटी दे रहा हूं, रायबरेली की जनता लिख लो, जून 4 को नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं होगा। तो अमित शाह को भी आपने सुना, वो कह रहे हैं कि 400 पार होके रहेगा, इंडिया गठबंधन कितना भी जोर लगा ले। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 4 जून को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। निवान, मैं आपके पास आ रहा हूं, अब 4 जून को जो भी नतीजे आएंगे उसको एक्सेप्ट करेंगे, फिर ईवीएम तो नहीं खेला जाएगा? नहीं सर, बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे, लेना है हमने तो, आऊंगा भैया जी आपके पास आऊंगा, सबके पास बारी हमने तो हमेशा एक्सेप्ट किया है। और अभी आपके विश्लेषक जी भी बता रहे थे कि कैसे प्री डिसाइडेड है, जो किस तरह से बीजेपी कहां कहां से कितनी कितनी सीटें बढ़ा रही है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश ने ये भी देखा है कि किस तरह से सारे के सारे जो विश्लेषक हैं और जितने भी सर्वेज हैं उनको कैसे जनता पलट के रख देती है। आपने दिल्ली में देखा, आपने पंजाब में देखा। दूसरी बात, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि एक कहावत है कि जब आपको इंसान को परखना हो तो आप तब परखिए जब उसके हाथ में एब्सोल्यूट पावर हो।
हो, जब उसके हाथ में आप पूरी की पूरी पावर, देश की जनता ने मोदी जी के ऊपर विश्वास करके उनको एब्सोल्यूट पावर दी। अभी इन्होंने क्या कहा, अभी इन्होंने कहा कि कभी भी आपने ऐसा देखा कि किसी क्षेत्रीय दल ने या किसी स्टेट की पार्टी ने जो है वो नेशनल चुनावों में चुनौती दी हो? मैं उसके आपको वजह बताता हूं कि ऐसा क्यों है। इसकी वजह यह है कि जब इनके हाथ में एब्सोल्यूट पावर आ गई, इन्होंने क्या किया, देश के लिए काम करने की बजाय इन्होंने जो क्षेत्रीय दल थे, जो छोटी पार्टियां थी, जो स्टेट में गवर्नमेंट चला रही थी, उनको तोड़ने की साजिश करी। एक तरफ आप ये कहते हैं कि हम जनता का सम्मान करते हैं, दूसरी तरफ आप क्या करते हैं, आप ये कहते हैं अगर आप हमें नेशनल लेवल पे वोट देंगे तो आप बहुत बढ़िया हैं, आप देशभक्त हैं। अगर आप वही लोग अगर आप स्टेट में दूसरी गवर्नमेंट बनाएंगे, चाहे आप बंगाल में ममता बनर्जी जी की सरकार बनाएंगे, चाहे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे, तो आप राष्ट्रद्रोही हैं, पाकिस्तान चले जाइए। तो जनता इन चीजों को पसंद नहीं करती। इस बार राष्ट्रीय मुद्दों पर तो जनता वोट कर रही है, लेकिन इस मुद्दे पर भी वोट कर रही है कि ये वो पार्टी है बीजेपी जिसने हर सरकार को अनस्टेबल करने की साजिश करी, जिसने महाराष्ट्र की सरकार को तोड़ा, जिसने मध्य प्रदेश की सरकार को तोड़ा, जिसने दिल्ली की सरकार को तोड़ने की साजिश करी, जिसने बंगाल की सरकार को अनस्टेबल करने की साजिश करी। और अभी लेटेस्ट आपने सुना कैसे माननीय होम मिनिस्टर साहब जब पंजाब जाते हैं तो क्या बोलते हैं, पंजाब में 3 MLA हैं इन लोगों के, और ये क्या बोलते हैं, हमें सीटें दे दीजिए, जो भगवंत मान की सरकार ज्यादा देर चल नहीं पाएगी। इस बात से क्या मतलब है, क्या आप जनता के वोट को अंडरमीन कर रहे हैं, क्या आप जनता के मतों को जो है वो उनका अपमान करना चाहते हैं ऐसा बोल के? जनता ने जिताया है, हर स्टेट में जनता ने उस पार्टी को जिताया, जनता का हक है। आप कैसे ये कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का अधिकार है पूरे देश में राज करने का? इसके खिलाफ भी जो स्टेट की जनता है वो वोट कर रही है। मुझे लगता है इस पर आपको जवाब देना चाहिए, नेशनल भी और स्टेट पर आपको जवाब देना चाहिए। एक स्थायी सरकार है, उस स्टेट में जाके अगर इस तरह का स्टेटमेंट होगा कि हम जब चुनाव जीतने के बाद भगवंत मान की सरकार नहीं रहेगी वहां पर, तो जाहिर सी बात है सवाल खड़े होंगे, इसका जवाब आपको देना होगा। जी सुनिए, देखिए ये वो केजरीवाल जी की पार्टी है जिसके ऊपर पन्नू जो आतंकवादी है अमेरिका में बैठा हुआ, वो कहता है मैंने इतने मिलियन डॉलर इस पार्टी को दिए हैं आतंकवादियों, इनके फाउंडर मेंबर कुमार विश्वास आरोप इनके ऊपर लगाते हैं कि आतंकवादियों से हमदर्दी रखने वाले मीटिंग करते हैं और मैं मना करता था, विरोध करता था, उसके बावजूद कहते हैं अलग देश बन जाए मैं अलग देश का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। ये वो पार्टी है, ये अब ये बातें करते हैं कि वहाँ प्रधानमंत्री जी कहते हैं पूरे देश को पता है वहाँ क्या हालात इन्होंने बना दिए पंजाब में, किस तरह से वहाँ जो लोग वहाँ पे निवेश करते थे निवेश वाले वापस भाग रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है, इनके MLA इनसे दुखी हैं, तो इसमें क्या गलत कर दिया? अगर जमीनी हकीकत कोई वहाँ जाके रखता है तो ये क्या कानून से ऊपर है, संविधान से ऊपर है क्या? Absolutely false. आप बोलिए प्रोफेसर भुवन, अपनी बात रखिए, फिर मैं एक सवाल मनोज जी से ले रहा हूँ। देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथी ने अभी परिवारवाद की बात करी है, इनसे अच्छी परिवारवाद की बात कौन कर सकता है? उत्तर प्रदेश में किसको लेके चलते हैं? अनुप्रिया पटेल को। क्या परिवारवाद पति पत्नी का? ये पूरे देश को पता है, पति MLC है, पत्नी केंद्र में मंत्री है। निषाद पार्टी संजय सिंह के अलावा, संजय निषाद के अलावा कोई टिकट आरती नहीं होता, बाप बेटे की पार्टी है वो। लोक जनशक्ति पार्टी क्या है? लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान कहाँ से आते हैं? परिवारवाद से आते हैं। सुभाषपा क्या है?
अरुण राजभर जो चुनाव लड़ रहे हैं वो किसके बेटे हैं? अरे निश्चित तौर पे परिवारवाद को तो साथ लेकर डोल रहे हैं आप लोग, योगी जी और मोदी जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कल्याण सिंह का लड़का राजू सिंह क्या है, ये परिवारवाद नहीं है आप लोगों का। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर ये आप आरोप लगाते तो फिर आप ये भी मानेंगे कि समाजवादी पार्टी में ही परिवार। मैं कह रहा हूँ हम तो कह रहे हैं जनता की अदालत में जा रहा है, हम लोग तो ये कह रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं साथ लेके घूमेंगे, टीवी पे बड़ी बड़ी बातें करेंगे, साथ लेके घूम रहे, हटाइए गठबंधन से, हम भी बोलेंगे परिवारवाद के खिलाफ है। कल्याण सिंह के लड़के को टिकट क्यों देते हैं? क्यों देते हैं टिकट आप बताइए? राजू सिंह को फिर मान रहे हैं ना, समाजवादी पार्टी में भी है परिवार। मैं ये विषय कह रहा हूँ, अगर ये परिवारवाद कहते हैं तो हम इनका परिवारवाद गिना रहे हैं। हम लोग परिवार, हम तो जनता की अदालत में जा रहे हैं, हमारे कौन से किसको कौन सा जो राय, तो फिर क्यों कर रहे हैं, फिर बात क्यों कर रहे हैं, फिर बात क्यों कर रहे हैं? आप साथ साथ लेके चलोगे फिर बात करोगे, इस तरह देश चलेगा क्या? मैं और बताना चाहता हूं आप लोगों को, आतंकवादी की बात करी थी मेरे साथी ने, मैं आपको बताना चाहता हूं इस देश में आतंकवादियों को रेड कार्पेट पर छोड़ के अगर कोई आया तो केवल भारतीय जनता पार्टी आई और कंधार छोड़ के आई, देश अभी भूला नहीं है उस जख्म को। मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों जवाब दे रही है जनता आपको, 500 करोड़ का जो वैक्सीन का जो घोटाला करा आपने, हार्ट अटैक की बीमारी जनता को गिफ्ट करने का काम करा, 986 करोड़ का आपने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का घोटाला करा, यही आपकी तबाही का कारण बन रहा है। और आप देखिए इस देश की जनता आपके लिए खिलाफ खड़ी है, और 4 जून को बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल में बैठूंगा, देखिए इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। बिल्कुल, मैं जरूर बुलाऊंगा आपको 4 जून को, आप और हम उस पर हम बहस भी करेंगे, बात करेंगे जो भी रिजल्ट होगा उस पर, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। जरा एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं और प्रियंका गांधी, इस 400 पार के मुद्दे पर इन दोनों को भी सुन लेते हैं। जून 4 को मोदी सरकार बनेगी, तीसरी बार बनेगी, बड़ी बहुमत से बनेगी, 400 पार करेंगे, और इसमें बनारस का योगदान, बनारस का एक किस्म से उदाहरण, बनारस का लीडरशिप नेतृत्व जो है पूरे देश में दिखाई देगा। तो इन्होंने कुछ गड़बड़ पहले से कर रखी है कि इनको मालूम है कि हमें 400 मिलने वाले हैं, है कि नहीं? नहीं तो इस तरह ज्योतिषी की तरह कैसे कह सकते हैं कि क्या मिल रहा है? हम इतना कह सकते हैं कि अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम लेंगे। तो एस जयशंकर को हमने सुना, वो 400 पार की बात कह रहे हैं, और प्रियंका गांधी ने वही ईवीएम का जिक्र कर दिया कि ईवीएम अगर ठीक रही तो 180 भी बीजेपी पार नहीं कर पाएगी। मनोज जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, ये जो कॉन्फिडेंस हम देख रहे हैं बीजेपी में 400 पार बार बार हम सुन रहे हैं, ये किस वजह से है? यूसीसी का जिक्र करते हैं प्रधानमंत्री अपनी सभाओं में, उसका कॉन्फिडेंस है, राम मंदिर की भी बात करते हैं, फिर पीओ की भी बात हो रही है, अब काशी मथुरा भी इसमें इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो 400 पार ले जाएंगे? क्योंकि ये फैक्टर्स मैंने बहुत ज्यादा देखे चर्चाओं में, विकास की बात थोड़ा सा इससे पीछे छूटती हुई दिखी है मुझे। देखिए प्रधानमंत्री ने निजी चैनलों के इंटरव्यू में क्लियर किया था, ये 400 पार का जो मैंने नारा दिया था अपने कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरने के लिए दिया था। हाँ, विपक्ष उसके पीछे भागा, वो विपक्ष के समस्या है, उन्होंने साफ क्लियर कर दिया था। मैंने शुरुआत में ही आपको बोला कि मेरे लिए जो सोच और समझ बन रही है कि 2014, 2019 और 2024 में क्या अंतर है, मैं वहां पर गया था कि 2014 को 2019 में बीजेपी ने रिकॉर्ड के साथ ले आया, और 2019-2024 में रिकॉर्ड लेकर आएगा, तो मेरा रिकॉर्ड क्या है, 303 है, कि 303 से वो पार होती है कि नहीं होती है। जैसे अभी सारे प्रवक्ताओं लोगों को मैं सुन रहा था, देखिए बीजेपी को हराने के लिए आज के डेट में रीजनल पार्टियां और कांग्रेस यदि दोनों मिलकर लड़ती हैं तो बीजेपी में कम से कम 25-30% वोटों का उसका माइनस करना पड़ेगा, जो कि आज के डेट में होता हुआ नहीं दिख रहा। अब क्यों नहीं होता हुआ दिख रहा है? जैसे बात हो रही है कि आरजेडी के साथ पूरी तरह से मुसलमान और यादव जुड़े हुए हैं, यदि ये बात सच्चाई है और लगता है आपको कि पार्लियामेंट इलेक्शन में जाति आधारित वोट होता है, तो पूर्णिया सीट बिहार का है, वहां पे पूरा लालू परिवार मेहनत कर रहा है कि किसी तरह से बेटी जीत जाए। उसी तरीके से आप आ जाइए सिवान की सीट पे, पूरे यादव परिवार फैमिली वो लगा हुआ कि किसी तरह से यादव वोट हमें मिल जाए। यदि पूर्णिया का इसलिए मैंने जिक्र किया कि वहां पप्पू यादव हैं, और पप्पू यादव को यदि यादव वोट मिल रहा है तो आपके अंदर कहां से वो यादव का लहर है?
तो जब तक यादव एक साथ शिफ्ट नहीं होंगे किसी भी पार्टी में, चाहे समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी हो, तब तक आपके लिए कुछ नहीं होने जा रहा। लेकिन दूसरी बात, एक बात सुनिए ना, अगर सब दल एक साथ हैं, विपक्ष के सारे दल एक साथ हैं, इंडिया अलायंस जिसको कह रहे हैं, अगर सब मिलकर भी वोट को कंसोलिडेट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ये कमी किसकी है? ये कमी विपक्ष की है। विपक्ष की कमी ये है, देखिए दो तीन चीजों की मैं मेरी जो जहां तक सोच है, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं मेरी सोच बहुत अच्छी है। सबसे बड़ी सोच इनका और इनका जो गठबंधन बड़ा और बिखरते हुए बना, सबसे बड़ा गलती वहां पर लोगों ने किया। दूसरा, कैंडिडेट किसके ऊपर? समाजवादी पार्टी डर रही है कि राहुल गांधी को यदि हम आगे करते हैं तो मेरा नुकसान हो जाएगा। राहुल गांधी जी को डर यह सता रहा है कि यदि अखिलेश को नाम लेकर हम करते हैं तो हमारी पार्टी के अंदर क्या हो जाएगा। तो नेता का चुनाव अपने पार्टी के अंदर डर से और निर्णय नहीं ले पा रहे, तो यह दिक्कत आ रही है। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी का क्या है कि यदि मैं पंजाब में कांग्रेस के साथ जाता हूं तो जो कांग्रेस का वोट मेरे पास आया वो कहीं शिफ्ट होकर फिर उनके पास न रह जाए। बिल्कुल, लेकिन ये वाजिब सवाल है आपका। मैं अब क्योंकि मेरे पास दो चार मिनट है आखिरी के, तो इस पर रिएक्शन मैं आपसे सबसे चाहूंगा। नेता के चुनाव को लेकर आपको नहीं लगता कि आगे चल के एक झगड़ा हो सकता है? क्योंकि नेता की वजह से ही नीतीश कुमार छोड़कर चले गए। नीतीश कुमार सोच रहे थे कि मैं नेता बन जाऊंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप का भी नाम ले लीजिए। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, ममता बनर्जी दिखती नहीं है मंच पर। नीरज जी, मैं आपसे शुरू करना चाह रहा हूँ, आपको नहीं लगता कि ये नेता वाला जो लफड़ा है ये आगे जाके ज्यादा बड़ा हो जाएगा? देखिए, देश की जनता ने क्योंकि अपनी पार्टी में सब बड़े हैं, यहाँ राहुल गांधी बड़े हैं, वहाँ अखिलेश जी बड़े हैं, यहाँ अरविंद केजरीवाल जी हैं, वहाँ ममता बनर्जी हैं। देखिए रोहित जी, देश की जनता ने इंडिया गठबंधन को वोट देने का मन बना लिया है। 6 फेजेस में वोट दे दिया है और 7वें फेज में जो 12% सीटें हैं उस पर वो भी बम्पर वोट देगी इंडिया गठबंधन को। और जब ये सारा फैसला 4 जून को हो जाएगा तो सदन के पहले दिन, मैं वही कह रहा हूँ ना, देखिए एक तरफ एक चेहरा है जी, है ना। अगर आप एनडीए की तरफ देखते हैं, ये एनडीए हो गया, ये इंडिया हो गया। आप एनडीए की तरफ देखते हैं तो आपको चेहरा दिखता है, जब आप इंडिया की तरफ देखते हैं तो आपको चेहरा नहीं दिखता है, तो ये डिफरेंस नहीं होगा रोहित जी? अब मैं बिल्कुल, क्योंकि 2-3 मिनट मैं ऐसी बात कहूंगा शायद आपको खराब लगे, यही तो बीजेपी की चाल थी। वो जो 400 का आंकड़ा था उस संविधान को बदलने के लिए, वो यही तो करना चाहते थे। इस देश के अंदर जहां पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, आपने उसको प्रेसिडेंशियल स्टाइल में बनाने की कोशिश कर दी और उसमें आप लोगों ने भी साथ दे दिया। इस देश की जो प्रक्रिया है वो अपने सांसद को चुनने की है। आज दिल्ली में 6 सांसद जो बदले थे वो इसलिए ना क्योंकि कोरोना काल में, अच्छा सांसद कैसे नहीं चुन रहे बताइए ना, आप कह रहे हैं प्रेसिडेंशियल कैसे? ये आप जब नरेंद्र मोदी जी का चेहरा सामने रखते हैं और पूछते हैं कि सामने कौन, तो ये बेईमानी है। नरेंद्र मोदी अपनी बनारस की सीट पर पार्टी रख रही है, पार्टी अगर चुनाव लड़के आप कैसे रोक देंगे? ये तो लोकतंत्र है जी। नरेंद्र मोदी के लिए वोट पड़ेगा सिर्फ बनारस में, वो क्योटो में जैसे अखिलेश जी ने कहा, जहां मोदी जी हारने वाले हैं सिर्फ वहीं वोट पड़ रहा है, बाकी हर सीट पर उस निकम्मे सांसद को हटाने के लिए जिसने कोरोना काल में अपने आप को घर में बंद रखा, देश की जनता के सामने वो नहीं निकला। गलत जीएसटी के समय मोदी जी के लिए ताली बजाता रहा, गलत नोटबंदी के लिए मोदी जी के लिए ताली बजाता रहा, उस निकम्मे सांसद को भगाने के लिए देश की जनता वोट कर रही है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने भी सवाल किया कि क्या फर्क पड़ता है, मैं आपको ये बताता हूँ क्या फर्क पड़ता है। एक इंसान का चेहरा चमकाने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किया जाता है और विपक्ष के नेताओं को बदनाम करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किया जाता है। मैं वही आपको बता रहा हूँ, आपने कहा कि क्या सांसद को नहीं चुनता है, उसमें क्या फर्क पड़ता है? मैं आपको बता रहा हूं क्या फर्क पड़ता है। अभी विशेषक, ये राजनीतिक विश्लेषक जी ने कहा कि 50 से 60 सांसद ऐसे हैं जिनके खिलाफ रोष है, जिन्होंने काम नहीं किया, और बाकी बहुत सारे ऐसे हैं जिनके टिकट काट दी गई। 10-10 सेकंड पर टाइम खत्म हो गया, बिल्कुल। आप एक रिएक्शन आपका। देखिए मैं बताना चाहता हूं, ये डबल स्टैंडर्ड की बात है। अभी राज्यों में चुनाव, 10 सेकंड बस, राज्यों में चुनाव हुआ, मुख्यमंत्री पद की बात आई तो बीजेपी के लोग क्या कह रहे थे? कह रहे थे हमारी स्ट्रेटजी है। अरे अगर विपक्ष स्ट्रेटजी बना रहा है तो क्या दिक्कत है? चलिए ठीक है, ठीक है, 400 पार के दावे में कितना दम है, ये 4 जून को तस्वीर साफ हो जाएगी। बहुत ज़्यादा इंतजार आपको करना होगा नहीं, क्योंकि 6 फेज पूरे हो चुके हैं, 7वां फेज बाकी रह गया है। 7वें चरण का चुनाव होगा 1 जून को, 4 जून को नतीजे आएंगे और फिर हम यहीं पर इसी मंच पर संभवतः आप सभी के साथ उस दिन चर्चा कर रहे होंगे कि किसके दावे में कितना दम है। आज के लिए नमस्कार।